तो भैया रास्ते में आते आते देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हम लोग का। और देखो यहाँ से जो है ना ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ गया है, एक बाइक वाले ला के ठोक दिया है। और देखो यहाँ पर ये टूट चुका है, यहाँ पर ये स्क्रेच आ गया है, और ये वाला देखो ये जो है ये टूट चुका है, और ये वाला हिस्सा ना पीछे की तरफ चला गया है, जो कि यहाँ से देखो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं और अभी लाडो का जो है आज इंजेक्शन लगने वाला है। आज लाडो का इंजेक्शन लगने वाला है, तो अभी निकलते टाइम जो है मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो, दोनों खुश रहे बेटा बहू। आप बेटा आप लोग भी खूब खुश रहना, और मेरे बेटा बहू को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। खूब वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। क्या हुआ है? इंजेक्शन लगने वाला है मेरे, इसलिए उदास हो गई है। ये गाड़ी के अंदर चलते हैं, और ये देखो ऑलरेडी सब कोई पीछे बैठ चुका है, पूरी फैमिली जा रही है। लाडो का इंजेक्शन लगने वाला है, लाडो अभी फिर परेशान होगी। ले लिया, जान लग रहा है। लाडो देखिए अपने दादी के गोद में, ये देखिए टीका लगवाना है इनको। लाडो का टीका लगेगा, जो पोलियो को सुई लगता है ना वही टीका लगेगा। गुरुवार व्रत रहते हैं 7 साल से, तो हम सोचे हैं कि थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं रहता है, तो सोचे हैं कि मतलब ये गुरुवार व्रत बैठा दे, सिर्फ पूजा करे, आ कल बैठाना है, तो वही थोड़ा सर सामान खरीदना है और पूजा उजा करा के बढ़िया से बैठा देंगे। कल रात को भैया आए थे तो आज हम स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे भी ब्लॉग में आना था, इसलिए भैया से कहें भैया आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो देख सकते हैं मौसम कैसा है। अच्छा तुम तो स्कूल के नाम से इतना डरते हो, जब भी स्कूल भेजने मम्मी बोलती है जाने के लिए तो बोलता है स्कूल ही नहीं जाएंगे, पढ़ाई ही नहीं होता। बस झूठ बोल रही है, खुद नहीं जाती है, रोजा हमको बोल रही है। अच्छा तो मम्मी को पता है, मम्मी बताओ कौन नहीं जाता है। ये स्कूल जाने का नाम नहीं लेता है, पहला तो बात ये है। इसको ढेर कॉमेडी में और कला में गेमिंग में यही इसको मन लगता है बस। मम्मी हम हमेशा स्कूल जाते हैं ना। हाँ हाँ, हमारे बेटी बहुत पढ़ने में अच्छी है, वो तो सब जानते हैं लोग कौन अच्छी है कौन नहीं है। और देखो यही अमर शहीद मंडल पांडे ग्राम पंचायत, यही जो है टीका लाडो का लगता है, लेकिन नहीं लग पाया। तो ये हम लोग तीसरी बार यहाँ पे आ चुके हैं लाडो का टीका लगवाने के लिए, लेकिन रिटर्न जाना इसलिए पड़ रहा है कि पूछे तो वहाँ बोल रही है ना कि हर बुधवार को मतलब नहीं लगता है, किसी किसी बुधवार को लगता है, और उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं था। तो अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बगहुच घाट में ना एक और हॉस्पिटल है, और वहाँ भी पता करते हैं, अगर वहाँ टीका लग जाएगा तो वहाँ आज लगवा ले। ये पत्थरदेवा मार्केट है, और हमेशा शाम को लगभग 2 बजे से ले कर और 5 बजे तक हमेशा बहुत ज़्यादा जाम लगता है इधर गाड़ी का। पता नहीं था, आज हमको पता चला ये पत्थरदेवा मार्केट। अच्छा बस से आते थे तो आपको पता नहीं था, आप ही लंच बना कर देती थी। बस से जाती थी लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये मतलब इनके स्कूल का नाम क्या है और ये जाति कहाँ है। मम्मी को पता था, हमारे हस्बैंड जी को और पापा जी को, हमको नहीं पता था। तो भैया रास्ते में आते आते देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हम लोग का। और देखो यहाँ से जो है ना ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ गया है, एक बाइक वाले ला के ठोक दिया है। और देखो यहाँ पर ये टूट चुका है, यहाँ पर ये स्क्रेच आ गया है, और ये वाला देखो ये जो है ये टूट चुका है, और ये वाला हिस्सा ना पीछे की तरफ चला गया है, जो कि यहाँ से देखो। चलिए भाई गाड़ी में चलते हैं, खैर कोई बात नहीं। एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ था ना कि बाइक वाला से टक्कर जब लगा ना तो मतलब थोड़ा सा दूरी पे जाके वो गिर गया, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं आया है, बस एजेंसी में लेके वो जो थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ है ना उसको सीधा करवाना पड़ेगा। और बाकी अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। हम लाइव आपको नहीं दिखा पाए थे क्योंकि एक्सीडेंट जब हुआ था तो, क्योंकि उस टाइम जो है मेरे हाथ में कैमरा नहीं था, और गलती उसका ये था ना कि भाई गाड़ी रोड पर चल रही थी ना तो इस साइड से इस साइड लेफ्ट से राइट ऑटोमेटिक अपने बिना देखे हुए क्रॉस कर लिया, और गाड़ी मेरी एकदम नज़दीक आ गई थी और स्लोली स्लोली चल रहा था, तो ज़्यादा कुछ नुकसान मतलब उसको भी नहीं हुआ हमको भी नहीं हुआ है। तो हल्का फुल्का जो टेढ़ा आया है वो जाके एजेंसी में तो सही हो जाएगा, लेकिन उसको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चोट आया है, फिर उठ के खुद माफ़ी मांगने लगा और तुरंत वहाँ से फिर निकल गया वो। ये हम आ चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल पे, जो कि देख सकते हो भाई यही सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ का। और देखो वो दरवाज़ा बंद है, और यहाँ पर 2-3 कमरा है वो सब दरवाज़ा बंद है। यहाँ पे मैम वगैरह सब रहती हैं और यही सब टीका लगाती हैं, तो आज बुधवार है मेरे ख्याल से चली गई हैं,
गांव में लगाने के लिए और हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभी बंद, सब ढूंढ लिए, सब बंद है। नहीं है मैडम लोग, नहीं है कोई नहीं है यहाँ पे। चलो तब जाने दो, नहीं लगेगा लाडो का इंजेक्शन, नहीं लगेगा। लाडो मेरी खुश हो गई है, इसका टीका नहीं, देखिए कैसे खुल के हंस रही है, समझ गई है टीका नहीं लगेगा, टीका नहीं लगेगा। और भाई देखो एक प्रॉब्लम यही है कि आगे भाई साहब बहुत तगड़ा लग गया है गाड़ी को, आज की यात्रा ही खराब है हम लोग का। घर से निकले इतना खुशी खुशी से, बाहर आए नहीं लाडो का टीका लगा, और गाड़ी का भी वही हाल हो गया, हम लोग को तो धक धक प्राण करने लगा, लेकिन चलो अब जो लिखा होगा वही होगा। देखे थे कैसे लड़ा है, बहुत लड़ा, हम तो डर ही गए थे एकदम से, हम तो डर ही गए थे एकदम, पूरी फैमिली डर गई थी हमारी, बहुत ज्यादा हो गया था, हम लोग तो उतर उतर हम लोग बच गए, बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। आ चुके हैं अभी घर पे, और देखो सामने से कितना भयानक लड़ा था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, हल्का फुल्का थोड़ा सा लगा था, देखो यहाँ पर। अभी हम आते आते हम किचन में चले आए हैं, क्योंकि हस्बैंड सुबह से खाना नहीं खाए थे, बस हम लोग नाश्ता वगैरह करके वो चले गए थे। हम तो थोड़ा बहुत खाए भी थे, लेकिन हस्बैंड और ना मम्मी दोनों लोग नहीं खाए थे, मम्मी भी थोड़ा सा नाश्ता की थी लेकिन हस्बैंड कुछ भी नहीं खाए थे, तो अभी उनके लिए खाना निकाले और मम्मी जी के लिए खाना निकाले हैं, ऑफिस में बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं इसलिए उनको लेकर चल रहे अभी हम खाना देने। तो अभी हम आ गए अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर के, खाने में दाल चावल साग बनाए थे, और नीमकी हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जो नींबू और मिर्च डाल के बनता है। फाइनली भैया हमारा खाना देखो आ चुका है, अभी चल रहे हैं मम्मी जी को खाना देने, मम्मी जी भी नहीं खा रही, सिर्फ नाश्ता करके चली गई थी, अब मम्मी जी को जा रहा देने। क्या क्या बना है? साग बनाया है पालकी का, और दाल चावल और नींबकी। हम लोग तो डर ही गया था, मतलब उधर और खाना भी नहीं खाए थे हम लोग। और ये देखिए लाडो अपने पापा को पूरा आंख में क्या किए, पूरा काजल पोत लिया ऐसे मिस मिस करके एकदम, और टोपी निकाल के फेंक दी है, सर में खुज देने लगता है ना, तो निकाल के फेंक देती है। अभी आए मम्मी के पास, अब मम्मी से पूछते हैं क्या बनेगा खाने में। आज खाने में खीर पूरी सब्जी बना दो जाके। मम्मी आज खाने में बोले खीर पूरी सब्जी बनेगा, आज मम्मी को खीर खाने का बहुत मन कर रहा था ना मम्मी। हाँ। चलिए अभी हम जा रहे हैं किचन में, और ये देखिए लाडो अपने पापा गोद में सुसु कर दी है। लाडो अपने पापा गोद में सुसु कर दी, आज हगी इस वक्त नहीं पहनी थी, अभी निकाल के जस्ट हटा दिए है, और इस टाइम अपने पापा गोद में सुसु कर दी है ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखिए अपनी दादी के पास चली गई, अरे हमार लाडो, देखिए सुसु कर दी है उसके गोद में, हमार लाडो। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, तो मम्मी बोले थे खीर बनाने के लिए, अभी हमारा खीर रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हम सब्जी भी बना लिए हैं, देखिए थोड़ा सा सब्जी बनाए हैं, और जा रहे अभी आटा गूंथने हम, अब आटा गूंथ के अब पूड़ी छानेंगे। अभी हम पूड़ी बेल रहे हैं, मम्मी खाने के लिए इंतजार कर रही हैं, जल्दी जल्दी सोचे हैं थोड़ा सा छान दें जल्दी से ना, पूड़ी इसमें डाल दिए हैं, एक दिन मेरा हाथ ही जल गया था, अगली बार हम पूड़ी छाने थे तो, मम्मी हाल में बैठी हैं, सबको इंतजार कर रहा है खाना खाने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी पूड़ी छान रहे हैं, 8 बज गया ना इसलिए, देखिए अभी गरम गरम पूड़ी निकल गया। आप लोग आइए सबसे पहले, आप लोग खा लीजिए खीर पूड़ी सब्जी बनाए हैं, उसके बाद हमारी फैमिली खाएगी। हमारे यहाँ पूड़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मम्मी थोड़ा सा कम पसंद कर, बाकी लोग सभी लोग पूड़ी पसंद करते हैं, अक्सर हम लोग देखेंगे हम पूड़ी ज़्यादा बनाते हैं, खीर पूड़ी सेवई पूड़ी यही सब हमारे घर में ज़्यादा बनता है। तो फाइनली हम लोग का खाना जो है वो रेडी हो चुका है, मम्मी है और प्रेम बाबू और हम और हमारे हस्बैंड जी, 4 थाली लाया, हमारी ननद खाना खा चुकी है, सबसे पहले यही खाना खाई है, और खाने में खीर पूरी सब्जी और यहाँ पे पापड़ लाया है, पापड़ एकदम गोल गोल है। तोड़ के नहीं छाने है ना, इसलिए गोल गोल छान दिए। खाना तो आ गया है, बहू सबको खाना लगा दिए, बेटा आप लोग आओ, बेटा बहू जो भी है बड़े छोटे सबको आके खीर पूरी सब्जी खा ले, साथ में पापड़ भी है, साथ में पापड़ भी है। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं। अभी का सीन ऐसा है कि रात के 11 बज रहे हैं, और मैं चला आया हूँ ऑफिस में, जो कि यहाँ पर बैठ के मैं अपना वीडियो एडिटिंग करता हूँ। देखिए सामने हमारा लैपटॉप पड़ा है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, जाइए यूजर नेम पढ़ के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर हम लाइव वैसे आते रहते हैं, तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जल्दी जाइए इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।